हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत और स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप ई एफ आर आर ओ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो अगर आपने पहले वाला पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज वी पी एस ग्लोबल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। और दोस्तों, अगर आप कोई भी हमसे वीज़ा रिलेटेड, पासपोर्ट रिलेटेड, या फिर आपको अगर आपको कोई नीड है ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल या फिर एफ आर आर ओ से रिलेटेड कोई भी आपकी सर्विसेज की आपकी रिक्वेस्ट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप हमारी कंपनी का नाम, सारी डिटेल्स, आपको एड्रेस वगैरह सब मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ई एफ आर आर ओ की वेबसाइट पर जाना होगा। तो मैं ई एफ आर आर ओ को जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर indianfraro.government.in ये वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद ये हमारे नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं प्रचार के लिए, तो इनको क्लोज़ कीजिए, नेक्स्ट में भी क्लोज़ कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप मल्टीपल टाइम में आप एप्लीकेशन सबमिट ना कीजिए ताकि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा अगर आप यहाँ पर ई एफ आर आर ओ में कोई भी सर्विसेज चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन, ये राइट कॉर्नर में है, तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो यहाँ अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो रजिस्टर पर जाइए, और रजिस्टर पर जाने के बाद ये अभी एक पॉपअप आया है, प्लीज़ इंश्योर दैट यू टाइप द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर करेक्टली एज ओटीपी गोज टू मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर वेरीफिकेशन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो भी मेल आईडी फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए ताकि उस पर जब वो ओटीपी जाए वेरिफिकेशन के लिए तो वो वेरीफाई कर सकें आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेल आईडी, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपका जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पर फिल कीजिए, इसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, जो भी डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट आप चूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर डेट मंथ ईयर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन जेंडर के लिए, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल, और जो ट्रांसजेंडर हैं वो ट्रांसजेंडर चूज़ करेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी, आपकी जो भी नेशनैलिटी है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है, और फिर उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर फिल कीजिए, और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर कैप्चा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपको फिल करना है। कैप्चा में कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद सबमिट करेंगे। जब सबमिट आप कर देंगे तो आपकी मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, तो आप उनमें से कोई भी ओटीपी, एक सिंगल ओटीपी आपको डालना होगा जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर आगे आप अपना जो भी सर्विसेज चाहते हैं एफ आर आर ओ की तो उसके बाद आप अपनी जो भी एफ आर आर ओ से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ, और तो मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। तो जब आप इस पर लॉगिन हो जाते हैं तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप जो भी आपने डिटेल्स फिल की है अपने रजिस्ट्रेशन में वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉपअप आ जाता है जिसमें बताया गया है कि आपकी एज अगर 12 साल से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी प्रेजेंट नेशनैलिटी क्या है, तो जो भी आपकी प्रेजेंट नेशनैलिटी है वो यहाँ पर फिल करिए, उसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज़ कीजिए और यहाँ पर सिटी चूज़ कर लीजिए। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर बेल्जियम चूज़ कर लेता हूँ। लेट सपोज़ कि मैं बेल्जियम से हूँ और मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ दिल्ली से, और सिटी में मैंने दिल्ली चूज़ कर लिया है। इसके
इसके बाद यहाँ पर सर्विसेज आप कौन सी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो FRRO है लगभग 27 से रिलेटेड सर्विसेज से डील करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आप काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन के लिए चूज़ करता हूँ और आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूली बॉर्न चाइल्ड है कोई, तो यहाँ पर नो क्लिक कर दीजिए जो भी आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो रफली फिल कर रहा हूँ, आपके ऑप्शंस कुछ और हो सकते हैं, आप प्रॉपर इसको पढ़िए और इसको फिल कीजिए। इसके बाद पूछा गया हैव यू सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, क्या आपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, अगर आप ऐसा है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, और इस कंडीशन में आप फुलफिल नहीं होते तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है रेफ्यूजी दोस्तों वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, कोई कुछ लोग पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है, तो रेफ्यूजी उन लोगों के पास जनरली पासपोर्ट नहीं होता तो रेफ्यूजी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं यहाँ पर नो क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद पूछा गया, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन बताए गए हैं कि अगर आप मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेडिकल वीज़ा में जाकर आपको सब टाइप में मेड टू आपको चूज़ करना होगा, और उसी तरह से अगर आप रिसर्च वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट चूज़ करना है और उसकी जो कैटेगरी है सब टाइप वो S5 है। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी वीज़ा पर आप यहाँ पर भारत आए हुए हैं। तो मैं अभी जस्ट बिज़नेस वीज़ा के लिए क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद है वीज़ा सब टाइप। तो वीज़ा सब टाइप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जो B1 उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग यहाँ पर बिज़नेस के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे तो वो B1 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। B1X उनके डिपेंडेंट बच्चे वाइफ उनके लिए है, और B2 यानी कि बिज़नेस से अदर जो कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए आपको B2 कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। और B2X उन लोगों के लिए है जो डिपेंडेंट हैं B2 कैटेगरी के, और B3 कैटेगरी में ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होते हैं जो एंगेज में होंगे किसी कमर्शियल स्पोर्ट्स एक्टिविटी इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनको B3 कैटेगरी चूज़ करना होगा। तो मैं अभी यहाँ पर B1 चूज़ कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर एक अलर्ट आया है, द एप्लीकेंट शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया वाइल अप्लाइंग फॉर एन ग्रांट ऑफ वीज़ा रिलेटेड सर्विसेज। तो इन्होंने बोला है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वो उसको भारत के अंदर होना ज़रूरी है तभी वो अप्लाई कर सकता है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, और ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट आई है। जो भी आप किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सभी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर अरेंज कर लीजिए ताकि आपका कोई भी इशू ना हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे अगर आप वीज़ा के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपका जो फाइनल जो है अब एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है, और ध्यान रखें कि कोई भी गलती ना हो ताकि आपके वीज़ा में कोई भी रिजेक्शन के चांसेस ना हो। तो यहाँ पर आप सरनेम आपको फिल करना है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो चूज़ करिए, उसके बाद आपका फादर नेम मदर नेम आपके हस्बैंड या वाइफ का नेम ये सब आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डेट फॉर्मेट, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट था वो चूज़ करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी उसी फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपको चूज़ करना है और उसके फॉर्मेट में आप अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ बर्थ सिटी, तो ये मेनली जो रेड कलर के जो हैं इनको ज़रूर फिल करना है, इसके बिना तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, उसके बाद जो भी बर्थ कंट्री है वो मेंशन कीजिए, इसके बाद अपनी हाइट मेंशन कीजिए सेंटीमीटर्स में, इसके बाद आप रिलीजन मेंशन कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है आपके कैटेगरी में है तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क में, जो भी आपकी बॉडी पर मार्क है आपको उसके बारे में बताना होगा। इसके बाद आपको प्रेजेंट नेशनलिटी, आपके जो भी नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रीवियस नेशनलिटी है तो आप वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इसके अलावा मैनर ऑफ एक्वायरिंग प्रेजेंट नेशनलिटी, जो प्रेजेंट नेशनलिटी है वो आपको कैसे मिली है बर्थ से, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आप अपना चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है
डेट ऑफ एक्वायरिंग प्रेजेंट नेशनलिटी, आपको ये जो प्रेजेंट नेशनलिटी है वो कब मिली थी वो डेट आपको मेंशन करना है। और अगर आप ड्यूअल नेशनलिटी होल्ड करते हैं तो यस क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर। वेदर पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, क्या आपका जो आप इंडियन ओरिजिन है तो आपको नो या यस अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी के अंदर। तो कैटेगरी आपकी यहाँ पर मिशनरीज हैं, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद आपको एड्रेस ऑफ रेजिडेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, कि अगर आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है जो आपकी आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आप कहाँ पर स्टे करेंगे इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिल करना है। अगर आप इसके अलावा कहीं पर स्टे करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो एड्रेस भी फिल करना होगा। इसके बाद अपना मेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, और इसके बाद आपका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से फिल कर दीजिए। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है, आप किस जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है, आपका पासपोर्ट नंबर, किस कंट्री से इशू हुआ है, प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ है और किस डेट को एक्सपायर होगा, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। नेक्स्ट आपका है करंट वीज़ा डिटेल्स, आपका वीज़ा नंबर, जो आपका वीज़ा नंबर है वो आपको फिल करना होगा। वीज़ा नंबर आप देख सकते हैं आपका टॉप कॉर्नर वगैरह में आपको दिख जाएगा। इसके बाद कंट्री ऑफ इशू जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपका वीज़ा जो किस कंट्री से इशू हुआ है, किस प्लेस से इशू हुआ है और किस डेट को इशू हुआ है, ये सब आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप का जो वीज़ा है वो सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और इसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी डिटेल्स, जिस भी कंपनी को आप रन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद आपका है अराइवल डिटेल्स, आप किस डेट पर इंडिया आए हैं तो यहाँ पर वो डिटेल्स आपको कंप्लीट फिल करनी है। और इसके बाद पूछा गया है कि आपने पहले कभी रजिस्टर किया है इस FRRO पर, तो अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट पूछा गया है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट्स इफ एनी कंपनी, यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। अगर कोई फैमिली मेम्बर भी ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करा दीजिए। पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो एमरजेंसी केस में आपको किस से कॉन्टेक्ट करना है वो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। हैव यू सर्व्ड इन मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, रिजर्व ऑफ एनी कंट्री, क्या आपने कभी मिलिट्री या नेवी एयरफोर्स में आपने कभी सर्व किया है, तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। करंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपसे पूछा गया है आर यू रजिस्टर्ड इन कंट्री लोकेलिटी FRRO इन द करंट विजिट, करंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो अभी कोई FRRO का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट पूछा गया है फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करा रहे हैं तो करंट रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, आपका जो पहले जो अभी रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है, तो यहाँ से डेट चूज़ कीजिए। रिक्वायर्ड फॉर पीरियड ऑफ मंथ, तो यहाँ पर कितने महीने के लिए और कितने दिन के लिए, कितने सालों के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पर एक्सटेंशन आपको रीज़न मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको आप देख सकते हैं कि आपको एक्सटेंशन के लिए कैसे मेंशन करना है, अगर आप 2.5 साल के लिए कर रहे हैं तो 2 साल लिखिए, 6 महीने लिखिए, और 1.5 महीने के लिए है तो आपको 1 month 15 days आपको चूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट अपना कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको इनिशियली चेकलिस्ट आपको दिखाई थी, आपको उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको होम पेज पर। इसके अलावा अगर आपकी कोई पेमेंट आती है तो आपको पेमेंट ऑप्शन पर जाके पेमेंट करना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो फ़ोटो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड में जाके करना है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रीप्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ से कर सकते हैं। जब फाइनली आप सभी चीज़ें कर चुके होते हैं और आपको स्टेटस इंक्वायरी करना है तो इस पर जाइए, यहाँ से आप स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है और रीअपलोड के लिए रिक्वेस्ट आती है या फिर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से कीजिए। और यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।